एक और बात जो हम लोगों को समझना चाहिए कि देश में बहुत कम ऐसी जगह है, बहुत कम ऐसे शहर है जो अलग-अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड से जुड़े हुए हैं, और उसमें बम्बई और अहमदाबाद एक है। जो इतने तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड से जुड़ा हुआ है, देश के किसी भी हिस्से में आपको ये नहीं मिलेगा। और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन मोड से नहीं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा है। बंबई और अहमदाबाद के बीच में एक दिशा में आज लगभग 72 ट्रेनें चलती हैं, 72 ट्रेन एक दिशा में। इतनी तो ट्रिप भी बुलेट ट्रेन नहीं करने वाला है। जो IIM का रिपोर्ट है वो कहता है कि अगर बुलेट ट्रेन को जो 3,500 रुपए का अगर किराया है, उस किराए के आधार पर उसको मुनाफा करना है या अपना खर्च निकालना है, तो उसकी जो कम से कम कैपेसिटी 500 कैपेसिटी की ट्रेन चलने वाली है, वो ट्रेनें पूरी की पूरी भरी हुई जाए और 24 घंटे में कुल मिलाकर 100 ट्रिप की जाए, एक तरफा 50 ट्रिप, तो तब जाकर वो अपना खर्च निकाल पाएगी। और आज ये वो कॉरिडोर है जहां पर आपको बहुत ज्यादा एयर कनेक्टिविटी है, इतनी अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे है, लोग अपनी गाड़ियां लेकर जा सकते हैं। यदि इस तरह की कनेक्टिविटी का ये पूरा इलाका है, मैं कुछ स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा ताकि नक्शे से हमको बेहतर वो बातें समझ में आए। तो इसलिए ये भी बात जरूरी है कि एक ही कॉरिडोर में पूरे देश का कितना संसाधन लगेगा, ये सवाल हम उठाएंगे इंडिया में। और ये सवाल भी उठाना है कि ये संसाधन जो है वो लोन पर है, उधार लेकर हम कर रहे हैं, हम अपनी जेब से आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं, कल आपकी जेब जरूर कटकर उसमें से जाना है। जो लोग इस पे ट्रेवल करेंगे उनकी जेब से भी जाएगा, और जो ट्रेवल नहीं करेंगे उनकी जेब से भी जाने वाला है। तो क्या आप अपनी जेब हल्की करने के लिए तैयार है, ये सवाल हमको अपने आप से भी पूछने की जरूरत है। बंबई और अहमदाबाद के बीच में का वो इलाका है जहां रोहित भाई ने शुरू में अपनी बात की थी कि यहाँ इतने ज्यादा अर्बनाइजेशन है, इतना ज्यादा औद्योगिकरण है कि हर कुछ किलोमीटर में आपको कई ऐसे उद्योग है। जो गुजरात जब नंबर वन की होड़ में लगा हुआ था, तब प्रदूषण के मामले में भी नंबर वन थे, और आज भी वो नंबर वन की पोजीशन गुजरात ने प्रदूषण के मामले में नहीं गवाई है। ये जो पीला इलाका पूरा आप देख रहे हैं, ये यहाँ लेजेंड में आप देखेंगे तो वो एग्रीकल्चरल क्रॉप और एग्रीकल्चरल प्लांटेशन का इलाका है। यहां से लेकर यहां तक बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है, पूरा एग्रीकल्चर का इलाका है। सिर्फ बुलेट ट्रेन नहीं दौड़ने वाली है, मैं आगे और भी कई प्रोजेक्ट आपको बताने वाला हूं। ये सारी नदियां यहाँ का पानी है। अब मुश्किल ये है कि गुजरात में अब जो भी 12 मास चलने वाली नदियां थी वो खत्म हो रही है। नर्मदा एक आखिरी सबसे बड़ी नदी थी, तो इस साल नर्मदा में भी सरदार सरोवर बांध के नीचे जो है वो पानी नहीं रहा है, समंदर का पानी ही अंदर आता है। ये अभी जो रेलवे लाइन है अहमदाबाद और बम्बई के बीच में, ये उसका नक्शा है। नेशनल हाईवे है जो लगभग रेलवे लाइन के साथ साथ ही चलता है। एक एक्सप्रेसवे जो अहमदाबाद से बड़ौदा तक बना हुआ है, और उसको बड़ौदा से बम्बई तक एक्सटेंड करने की बातें हैं। एयर कनेक्टिविटी की जो मैंने बात कही वो है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी भी जानकारी है। करीबन 55 पैसेंजर रोजाना ट्रैवल करते हैं, और इसमें बीच में भी एयरपोर्ट्स हैं। सूरत में एयरपोर्ट है, बड़ौदा में एयरपोर्ट है। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसकी बात शुरू में आ गई है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जिससे आज की जो रेलवे लाइन है उसमें पैसेंजर ले जाने के लिए और एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ने वाली है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जो है वो जापान इसको फंड कर रहा है, एक्सप्रेसवे जो मैंने कहा। और ये बुलेट ट्रेन का रूट है जो है।
अब इन सब चीजों को अगर साथ में रखे, रेलवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और ये बस इतने छोटे से इलाके में हर जगह आपको इतनी सारी लकीरें दिखाई देंगी। अब एक सीधी लकीर के दो शहरों को जोड़ने के लिए इतने पास पास में जब इतने सारे प्रोजेक्ट आएंगे तो इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, हर एक के इस्तेमाल करने पर क्या होने वाला है। आज तीन प्रोजेक्ट प्रपोज है जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रपोज है, तो इसका सीधा परिणाम आज रेलवे लाइन में एक्स्ट्रा कैपेसिटी में कितने ज्यादा लोग ट्रेवल कर पाएंगे इस बात का एक आकलन होना चाहिए। दूसरा आकलन ये होना चाहिए कि अहमदाबाद से बंबई तक जिस एक्सप्रेसवे को ले जाने वाले हैं उसमें ट्रैफिक के डेटा दिए गए हैं और कहा है कि इतने ज्यादा लोग और इतना सारा फ्रेट ट्रैफिक चलेगा, आने वाले सालों में कितने ज्यादा ट्रक रास्तों पर चलेंगे जिस वजह से इस एक्सप्रेसवे की जरूरत है। तो ये एक्सप्रेसवे बन रहा है और एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक ही तरह के मतलब के लिए बन रहे हैं, तो इन दोनों के आपसी परिणाम क्या होंगे, एक ही तरह की बात के लिए दो प्रोजेक्ट अगर आते हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट को खत्म करेगा, ये सोचना चाहिए। ये सोचा नहीं जा रहा है, आज सब कुछ जो है वो स्टैंड अलोन की बात हो रही है, इन सबको एक साथ जोड़कर देखने की बात नहीं हो रही है। उसी तरह से बुलेट ट्रेन वाला जो गीतम जी ने शुरू में कहा कि बुलेट ट्रेन भी होगा, रेलवे लाइन भी होगा और रोड पर आप अपनी कार लेकर भी बड़ी तेजी से जा पाएंगे, तब आप किस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रिफर करेंगे, इसका आकलन भी सबको साथ में जोड़कर किया जाना चाहिए। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर वो 2 किलोमीटर के चौड़े पट्टे में एक तरफ आपको नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से कुछ मीटर दूर पर रेलवे है, उससे 2 किलोमीटर इस तरफ आपको एक्सप्रेस हाईवे दिखेगा और इन नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे के बीच से आप बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर भी जाएगा। ये कुछ नक्शे हैं जिसको ज्यादा जूम करके हमने बताने की कोशिश की है, जिसमें ये अहमदाबाद का ये नेशनल हाईवे है और ये एक्सप्रेस हाईवे है, उसके बीच से ये जाएगा बुलेट ट्रेन का हिस्सा, उससे नीचे ये नडियाद का इलाका है जो मैं कह रहा हूँ 2 किलोमीटर का जिक्र, तो ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ बहुत अच्छी खेती किसानी होती है। भारत में कम इलाके ऐसे हैं जिसमें छोटे किसान होने के बावजूद भी जिनके पास 1-2 एकड़ जमीन हो और फिर भी अच्छी खेती करके मुनाफा कर लेते हैं, ऐसे इलाकों में ये इलाका कहा जाता है। फिर भी यहाँ पर इतने सारा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स में हम और जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ये सारे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, जो स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट है, स्टेट हाईवेज है, आपके कैनल नेटवर्क्स है, दूसरे छोटे मोटे उद्योग और नई कॉलोनीज, नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो शहरों के बड़े होने की वजह से हो रहे हैं, इसको जब गिनते हैं तो इसका कोई गिनती यहाँ नहीं आ रही है। इन सब का भी परिणाम हमको जोड़ने की जरूरत है, ये इसलिए भी जोड़ने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे फार्मिंग सेक्टर पर भी किस तरह का परिणाम लाएंगे ये देखना पड़ेगा। तो ये इतनी बात है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ।